हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। दिस इज मी अंशु वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू विद अ न्यू अपडेट। एंड गाइस, एम्स बीएससी पैरामेडिकल का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। जी हाँ, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लेटेस्ट अपडेट है। अगर आपने भी एम्स बीएससी पैरामेडिकल के लिए एग्जामिनेशन दिया था जो कि 24 जून को कंडक्ट हुआ था, तो इसका रिजल्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन के लिए लिस्ट आ गई है जिन्होंने क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशन, और 950 टोटल स्टूडेंट्स की जो रोल नंबर है वो यहां पर मेंशन की गई है, रोल नंबर एंड इसके अलावा कैटेगरी, रैंक और परसेंटेज, तो ये यहां पर मेंशन है। आप अपना रोल नंबर से चेक कर सकते हैं। आप अगर आपका इस लिस्ट में रोल नंबर अवेलेबल है तो आप फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन के लिए अवेलेबल एलिजिबल हैं, ठीक है। और जो आपका ये सीट एलोकेशन होगा वो आपका ऑनलाइन मोड से ही रहेगा। इन केस अगर आप फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन में सीट भर्ती नहीं है तो आप जो नेक्स्ट लिस्ट है वो भी रिलीज की जा सकती है। अगर इन स्टूडेंट्स में से फर्स्ट राउंड एलोकेशन के लिए सीट नहीं फिल होती है तो नेक्स्ट जो आपका जो लिस्ट है वो भी रिलीज की जा सकती है। तो गाइज, आप अपनी यहां पर रोल नंबर चेक कर सकते हैं। टोटल 950 स्टूडेंट्स का रोल नंबर, परसेंटेज, कैटेगरी एंड रैंक यहां पर मेंशन की गई है। आप अपना इंडिविजुअल स्कोर भी देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का रोल नंबर इस लिस्ट में मेंशन नहीं है, यानी जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन के लिए, जो एलिजिबल नहीं है, वो अपना इंडिविजुअल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर ओबीसी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो सर्टिफिकेट है ना, वो आपको सबमिट कराना होगा फर्स्ट राउंड एलोकेशन के लिए। तो आप ये 19 जुलाई से 22 जुलाई तक अपना जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का एंड ईडब्ल्यू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, तो वो सर्टिफिकेट आपको सबमिट कराना होगा। इन केस अगर आपके पास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है या बहुत पुराना है, अपडेटेड नहीं है, तो आप जनरल कैटेगरी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप ये अपलोड कर सकते हैं 19 जुलाई से 22 जुलाई तक, ठीक है गाइज। एंड जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है वो अपना इंडिविजुअल स्कोर कार्ड देख सकते हैं, कितने उन्होंने करेक्ट आंसर किए हैं, कितने उन्होंने गलत आंसर किए हैं, कितना उनका स्कोर है, कितनी रैंक है, तो वो इंडिविजुअल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना इंडिविजुअल स्कोर कैसे चेकआउट कर सकते हैं एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा सभी अपडेट्स के लिए। जल्दी मिलते